जय श्री कृष्ण। भगवत गीता विजय का शास्त्र है। अपने जीवन में, दैनंदिन जीवन में भी हम लोग किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकते हैं, ये रणांगन पर युद्ध कर रहे अर्जुन को निमित्त बनाकर भगवान कह रहे हैं। हमारी जो टीम होती है, वो टीम यदि प्रसन्न हो, वो यदि आनंदित हो, तो हमारा काम बढ़िया बन सकता है। स्वयं भगवान कैसे आनंदित होते हैं? बहुत छोटी छोटी चीजों से मैं आनंदित हो जाता हूं। भगवान कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलं तोयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः। पत्रम यानी पत्ते, पेड़ के पत्तों से भी भगवान खुश हो जाते हैं। पुष्पम फलम तोयम यानी पुष्प फूल फल या केवल पानी से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। और यदि बड़े मन से ये चीजें की गई हो, तो भगवान स्वयं अवतीर्ण होकर उन चीजों को ग्रहण करते हैं। हम अपने टीम को इसी प्रकार छोटी छोटी बातों से प्रसन्न रखते हैं क्या? क्योंकि वो यदि प्रसन्न रहेंगे, तो ही हम विजय की दिशा में बढ़ेंगे। और बहुत छोटी छोटी बातें हम लोगों को करनी होगी। हमारे सहयोगियों को शाबाशी देना, उनके जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं देना, कभी कभार अच्छा काम करने पर एक गुलाब का फूल देना, वार्षिक उत्सव में कोई पारितोषिक या पुरस्कार देकर उसे सम्मानित करना, बातें बहुत छोटी छोटी होती है। उत्सवों के दिन उनको एक मैसेज भेज देना, इससे भी हमारे सहयोगी प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसी प्रसन्नता जब उनके मन में छाती है, तो निश्चित रूप से काम बढ़िया आगे बढ़ता है। एक बहुत बड़ा प्रतिष्ठान था, कारखाना था। उस कारखाने के जो मैनेजर थे, वो प्रतिदिन जब काम पर आते थे, तो प्रवेश द्वार पर जो सिक्योरिटी गार्ड होता था, उस सिक्योरिटी गार्ड को गुड मॉर्निंग कहते थे। सबको बड़ा आश्चर्य होता था, कितने ऊंचे ओहदे का ये आदमी सामान्य उस सिक्योरिटी गार्ड को रोज गुड मॉर्निंग कहते, और लौटते समय गुड नाइट कहना भी वो नहीं भूलते। कुछ लोग पूछते भी थे कि ये आप क्यों करते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है? वो सैल्यूट करता है, वो आपका सम्मान है, आपको ये बोलने की आवश्यकता नहीं। लेकिन मैनेजर कहते थे कि ना, मुझे अच्छा लगता है। एक दिन हुआ यूं कि जब सारे लोग घर चले गए, तो सिक्योरिटी गार्ड को समझ में आया कि आज गुड नाइट करने वाले वो मैनेजर गुड नाइट बिना कहे कैसे चले गए, ये हो नहीं सकता, अंदर की सारी लाइटें तो बंद हो चुकी है। फिर वो गए तो गए कहां? वो सिक्योरिटी गार्ड अंदर गया, उनके केबिन में देखा, हर जगह देखा और अंदर गया, और उसके समझ में आया कि अंदर से कुछ आवाज आ रही है। वो एक कोल्ड स्टोरेज था, और कोल्ड स्टोरेज के अंदर से दरवाजे पर कोई आवाज दे रहा है, कोई उस दरवाजे पर खटखटा रहा है, इस प्रकार की आवाजें आ रही थी। उसने नजदीक जाकर वो दरवाजा जब खोला, तब पता चला कि वो मैनेजर अंदर फंस गए थे। किसी ने बिना उन्हें देखे बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था, और वो दरवाजा लॉक होने से वो अंदर फंस गए। यदि रात भर अंदर रह जाते, तो उस चिलचिलाती ठंड में शायद कुछ भी हो सकता था। लेकिन ये सिक्योरिटी गार्ड अंदर आया और उसने उस आवाज को सुना, तब उसने वो दरवाजा खोला। जब मैनेजर बाहर निकले, तब उस सिक्योरिटी गार्ड को शाबाशी देकर उन्होंने पूछा, भैया तुम कैसे अंदर चले आए? तब उस सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि भाई साहब, आप रोज जाते समय गुड नाइट कह के जाते हैं, आज कोई गुड नाइट किए बिना सारे लोग चले गए, और मुझे ध्यान आया कि हो सकता है आप अंदर ही हो, और इसलिए मैं अंदर देखने आया। ये तो भगवान की कृपा हुई कि आप अंदर मिल गए और मैंने दरवाजा खोल दिया। बात बहुत छोटी सी थी, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट कहने की उस आदत ने उस मैनेजर को बचा लिया था। पत्रम पुष्पम फलंतोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्युपहृतम् अश्नामि प्रेतात्मनः। छोटी छोटी बातें अपने टीम को प्रोत्साहित करती है, उनको प्रसन्न कर देती है, और ऐसी प्रसन्नता हमें विजय की ओर ले जाती है,
आइए भगवान के इस संदेश को ठीक से समझे, इस विजय के मंत्र को समझे, आगे बढ़े और विजय को प्राप्त करें। जय श्री कृष्ण।